सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग नीरज नाउडेज। ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ बिकॉज जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो शूट करी थी वो 18 मिनट की बनी थी, एडिट भी 18 मिनट की हुई थी, बट ये हुआ था कि लास्ट में टचअप देते टाइम अब वीडियो का डाटा उड़ गया था। अब ये वीडियो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ पूरा, जो लास्ट वीडियो में था वो इस वीडियो में नहीं होगा। लास्ट वीडियो मैंने जैसे मैंने बॉन्कर्स वाली वीडियो में वेबसाइट पूरा दिखाया था और कैसे मैंने परचेज किया था वो सब दिखाया था, इस वीडियो में भी सेम किया था, बट वो सारा डाटा उड़ चुका है। बाकी सारी डिटेल्स मैं सामने स्क्रीन पर दिखा दूंगा और वहाँ पे आप पढ़ लेना अच्छे से। तो आते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पर। जिस वेबसाइट पर मैंने विजिट किया था उस वेबसाइट का नाम है द सीड स्टोर। तो इनके स्टोर में मुझे सबसे ज्यादा अच्छे क्लोन पैंट्स और कार्गोस लगे थे और मेरा बहुत टाइम से मन था यहाँ से कुछ खरीदने का, बट इनका आउट ऑफ स्टॉक रहता था। जब मैंने देखा कि इन स्टॉक में कुछ नए आए तो मैंने ट्राई किया कुछ खरीदने का और जो मैंने खरीदा है वो मैंने अनबॉक्स कर लिया था, बट ये है कि वीडियो डिलीट हो गई थी। ऑलरेडी अनबॉक्स्ड है वही मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने थोड़ा पहन भी लिया है तो सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो नीचे कमेंट में पूछ लेना और वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके वेबसाइट चेक कर लेना, जो भी अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेना। जो मैंने क्लोन पैंट लिए इनकी वेबसाइट से वो 1199 की है, बट जब आप प्रीपेड करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा जिसकी वजह से आपका हो जाएगा 1139। मेरा भी 1139 का पड़ा है और COD भी अवेलेबल है, COD में आपको एक्स्ट्रा 100-150 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी जो इनकी डिलीवरी डिटेल्स है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। मुंबई और पुणे में 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा, बाकी जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे 5 से 7 दिन लगेंगे डिलीवर होने में। तो मेरा दिल्ली था तो 5 से 7 दिन लगने चाहिए थे लेकिन 9th day पर मुझे मिला है, पता नहीं क्या इशू हुआ था, जो इनके डिलीवरी पार्टनर है वहाँ से कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुआ या फिर कुछ भी हुआ जिसकी वजह से मुझे 9th day पर डिलीवर हुआ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पर रिसीव होने में इस पार्सल को। एंड वन मोर थिंग, खरीदने से पहले पॉलिसीज वगैरह अच्छे से चेक कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि रिफंड नहीं ले रहे हैं, फिर ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, बट ये कि पहले से अच्छे से पढ़ के रखना पॉलिसीज, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, बाकी जो भी पॉलिसीज है सारी इनकी पढ़ के रखना ताकि आपको पता रहे कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसके ऊपर वो चीज़ अप्लाई होती है, रिफंड या फिर रिटर्न या फिर कैंसिलेशन अप्लाई होता है कि नहीं, वो आपको ध्यान रहे। तो चलो पहला व्यू देखते हैं इसका, बट ये है कि अब ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा कोऑपरेट करना। तो ये रहा पैंट। ओके, जो मेरा पहला इंप्रेशन था इसके ऊपर जब मैंने ओपन किया था तो यहाँ पर इसके जो ये चीज़ें लगी हुई है या फिर ये नाड़ा कह सकते हो जो इसके ऊपर आपको दिख रहे हैं धागे से, ये दिख रहे हैं ये इनके टुकड़े जो है ना वो पूरे पैंट में लगे हुए थे हर जगह पर, बट अभी तो फिलहाल नहीं है, हट गए पहनते पहनते। और ये कॉटन है पूरा, ठीक है। और पहली चीज ये देखी थी मैंने, नोटिस की थी। सेकंड मैंने नोटिस की है जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, सीड्स लिख रखा है अपने स्टोर का नाम, अपने ब्रांड का नाम। बाकी मैंने लिया है एम साइज, ये रहा एम साइज लिया है मैंने। और मैं एक और चीज़ है जो मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई जो कि इसके अंदर का पार्ट है, ये देखो ये इन्होंने लगा रखा है इलास्टिक, बट इलास्टिक जब लगता है ना तो उसके बाद अंदर से भी तो एक लेयर आता है कपड़े का जो आपको एक कंफर्ट देता है, बट इसकी वजह से थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता है चुभ रहा है यहाँ से या फिर यहाँ से, तो कपड़ा होता तो ज़्यादा बेटर लगता है, ये ज़्यादा बेटर भी फील होता है। तो ये मैंने लिया है एम साइज। एम साइज में क्या होता है कि वेस्ट जो है वो 32 है और जो लेंथ है इसकी वो 39 है, जो कि मुझे, मैं 39 लेंथ ही पहनता हूँ। सॉरी ये थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, ये दो एक चीज़ दिखा दी ये, ठीक है ये बहुत बेसिक सा है, नॉर्मल है, आपको किसी किराने की शॉप में मिल जाते हैं नाड़े वैसे वाले। यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है, बाकी मैंने इनके अंदर का बता दिया, यहाँ का इलास्टिक का एम साइज़ है, साइज़ मैंने पूरा बता दिया। ओके, जो इसका लेंथ है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, जितना मुझे चाहिए था, मैं 39 लेंथ ही पहनता हूँ, 39 ही है। और जो इसका राइज है वो मुझे थोड़ा लंबा लगा, वैसे तो 12 ही है, 12 पहनता हूँ मैं, जो मैंने ऑफ ड्यूटी की जीन्स खरीदी थी उसमें 12 था
और वो कम्फर्टेबल था, लेकिन यहाँ पे ये कि ये थोड़ा यहाँ से टाइट है, तो मैं आपको जब पहन के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। वो वीडियो मैंने बना रखी है प्रॉपर, उसमें आपको रिव्यू मिल जाएगा पहनने का। बाकी इसमें जो पैटर्न है, अम्बी पैटर्न बना रखा है, पैसले, इंग्लिश में पैसले बट इंडिया में इसको अम्बी अम्बी कहते हैं, अम्बी मीन्स आम, तो ये आम वाला पैटर्न है। बाकी इसके साइड पॉकेट्स में दिखा देता हूँ, स्क्वायर में है, इसके साइड पॉकेट्स हैं स्क्वायर, अच्छे हैं, बड़े पॉकेट्स हैं। बाकी जो ऊपर के पॉकेट्स हैं ये भी बहुत बड़े हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आगे, बाकी यहाँ पर भी इन्होंने लगा रखा है। देखो अगर जब एक एडवाइस दूंगा, लेंथ लोगे ना तो प्रॉपर लेना जो आपको फिट आए, क्योंकि लेंथ कटवाओगे ना तो ये जो मेन इसका ये है ना, ये हिस्सा जिससे आप इसको जॉगर्स बना सकते हो, वो हिस्सा आप खोदोगे, ये जॉगर्स बन गया, ये हिस्सा खोदोगे, इसको फिर सिलाने में फिर आपको टाइम लगेगा और आपके पैसे भी खर्च होंगे, इसको ऑल्टर करवाओगे। ओके, ये इसका बटन है, इसका स्क्वायर पॉकेट का, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है बाकी डिफरेंट। और बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसा कपड़ा है, कुछ दिन पहनने के बाद देखो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये बायो वॉश नहीं है, अगर बायो वॉश होता है ना तो एकदम ऐसे ये धागे नहीं निकलते। और पास से दिखाता हूँ, देखो ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने का टेक्सचर इसका, देख रहे हो कैसा हो रहा है, ओके तो ये है। बाकी मैं अंदर का भी दिखा देता हूँ, अंदर का कपड़ा इसके, ये है अंदर से, अंदर से ज्यादा बेटर है, ये बाहर की साइड होना चाहिए था। ये हुआ, बाकी और कुछ नहीं है। और चलो मैं क्विकली आपको पहन के दिखा देता हूँ, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है पहनने वाली। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, जो भी क्वेश्चन है नीचे पूछ लेना। तो अभी मैंने इसको पहन लिया है, अब मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देता हूँ, आज का नया नया जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। मैंने इसको नाभि के हल्का से नीचे पहना है, ठीक है, ये देखो इतना सा गैप है, और इसका जो राइज है, ये इसको राइज कहते हैं, राइज जो है ये मुझे काफी लंबा लग रहा है, मेरे इवन नीज तक आ रहा है, नीज से हल्का सा ऊपर यहां तक आ रहा है, जहां तक मैं शॉर्ट्स पहनता हूँ यहां तक इसका राइज आ रहा है। और जब मैं पहन रहा हूं तो सामने से क्या हो रहा है कि सामने से ये लूज नहीं है, कि हल्का सा आप लेग खोलोगे, देखो हल्का सा लेग खोलोगे तो ये यहाँ पे प्लेन हो जा रहे हैं, फिर खिंच जा रहे हैं यहाँ से, तो इससे ज्यादा लेग ओपन करने में डर लग रहा है, टाइट हो रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ राइज, हल्का सा देखो अगर आपको बैठना होगा ना तो आपको हल्का सा ये करना पड़ेगा और हिप्स की साइड से थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, अब आप इस पोजीशन पे हो कि अब लेग ओपन कर सकते हो, इतना खोल सकते हो, इतना राइज होता तो काफी अच्छा लगता है ये, बट ये राइज यहाँ है बिल्कुल, हिप्स भी यहाँ पे टाइट हो रहे हैं, बाकी पॉकेट्स भी अच्छी हैं, राइज से आएगा तो देखो लेंथ तो ठीक है, लेंथ तो चलो लंबी भी चलेगी, इतने में मैं पहन लूंगा, तो देखो ये लेंथ चलेगा मुझे, ये अच्छा है लेंथ, बाकी इसके पॉकेट्स वगैरह सब अच्छे हैं, कंफर्टेबल है कपड़ा, वेस्ट मेरा प्रॉपर आया, मुझे नाड़ा बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइट नहीं करने की जरूरत पड़ी, प्रॉपर आया है जैसा था वैसा का वैसा आया है। अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर पाओ तो राइज वगैरह पूछ लेना, मैंने राइज वगैरह नहीं पूछा था और राइज वगैरह उसमें लिखा नहीं था। बाकी मैं इसको बांध के दिखा देता हूँ, देखो खींचना पड़ रहा है मुझे नीचे झुकने के लिए, मुझे ऐसे करना पड़ रहा है तब मैं नीचे झुक पा रहा हूँ, ये देखो मैंने बांध लिया है, काफी अच्छा लग रहा है, बड़ा जहाँ मर्जी बांध सकते हो आप, मतलब जहाँ मर्जी, मतलब जितना ऊपर या फिर जितना नीचे बांध सकते हो आप, ये बन गया आपका जॉगर्स, टाइट हो गया, इतने में ही टाइट हो गया, मुझे और झुकने के लिए ऐसे करना पड़ेगा और फिर जाके ये अब जाके मैं थोड़ा नीचे झुक पा रहा हूँ। तो ये चीज़ रही, अभी मैं खोल के दिखाता हूँ, खोलने के बाद ये कैसा लगता है देखो,
काफी बढ़िया है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, अगर आपके पास इनके पैंट्स हैं तो आपको कैसे लगते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो सब नीचे कमेंट में शेयर करना ताकि ये लोगों को हेल्प करे कमेंट्स। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसे पैंट्स ले सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, मैं इनके लिंक वगैरह नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, अगर आपको खरीदना है तो जाके खरीद सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @neeraj_nowadays। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।